हेलो, वेलकम टू एनएनएमएस एसएससी हेल्पर्स। अलजेब्रा का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा डिस्कस किया है। अभी इनके बारे में डिटेल पढ़ना बाकी है, और हमने स्टार्ट कर दिया था पैटर्न्स को पढ़ना, ठीक है, यानी आइडेंटिटीज को पढ़ लेना, जिस जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो जो हमने पढ़ा था वो था अब तक कि अगर दो रेसिप्रोकल यानी एक्स और वन बाई, सो दो रेसिप्रोकल वेरिएबल्स थे, उनको हम सब्ट्रैक्ट मतलब अगर उनकी वैल्यू, अगर हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू पी दी हुई है, तो हमने ये सीखा था कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर क्या था, पी स्क्वेयर माइनस टू, ठीक है। और फर्दर अगर हम इसको ए मान लें, तो आगे इसी सीरीज में एक्स प्लस वन बाई एक्स फोर, फिर एक्स एट वन बाई एक्स एट, ऐसे हमने फाइंड आउट करना सीख लिया था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसके अलावा हमने सीखा था कि एक्स माइनस वन बाई एक्स दिया हो तो भी हम एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर कैसे निकाल सकते हैं, पी स्क्वेयर इसमें प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे होता है वो सब हमने देख लिया था फर्स्ट पार्ट में, तो इससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखेंगे, जैसे एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू पी था, और एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स हमने निकाल लिया था, ठीक है, ये हमारे लिए इजी हो गया था। लेकिन अब अगर हमें एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर दिया हुआ हो, कुछ भी मान लीजिए ए दिया है, ठीक है, और उससे हम रिवर्स फाइंड करेंगे, अब एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, ठीक है। तो रिवर्स आने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और अगर प्लस से प्लस में आ रहे हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर से एक्स प्लस वन बाई एक्स में आ रहे हैं, तो ए इसमें टू ऐड कीजिए और इसका अंडर रूट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ए प्लस रूट टू, ए प्लस टू इसका रूट, ठीक है। ऐसे ही एक्स माइनस वन बाई एक्स हो तो ए में से टू माइनस करके उसका रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 23, ठीक है, और हमें बोला गया फाइंड एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हमने ये अगर ए हमारे पास दिया है तो इसमें सीधा टू ऐड किया और इसका रूट कर दिया, तो हमारे पास एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, फाइव। और हमसे पूछी होती है अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स की, तो ए माइनस टू, ये हमारे पास फॉर्मूला था। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 21 हो गया ये रूट, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आगे हमारे पास एक, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, जैसे एक्स प्लस सॉरी एक्स पावर फोर अपॉन वन बाई एक्स की पावर फोर हमें दिया है 47, ठीक है, 47 हमें दिया है, और फाइंड आउट करवा लिया एक्स प्लस वन बाई एक्स हमारे पास फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो हम इसमें एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये ए, 47 प्लस टू रूट, यानी ये हमारे पास रूट 49 इज इक्वल टू 7 आ गया। और फिर फर्दर इसको दोबारा एक्स प्लस वन बाई एक्स में जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेप वाइज हो रहा है, ठीक है, एक स्क्वेयर से, ये इसका एक तरह से स्क्वेयर रूट वाली टर्म आ रही है, ठीक है, एक्स की पावर फोर से एक्स स्क्वेयर आ रही है, एक्स स्क्वेयर से एक्स आ रही है, और इससे आगे अगर हमें निकालना हो रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स, तो उसका फर्दर प्लस टू करेंगे और प्लस टू करके उसका स्क्वेयर रूट कर देंगे। तो इसमें हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स फाइंड आउट करना है, तो इसमें हमारे पास एक्स स्क्वेयर की इसकी वैल्यू आई हमारे पास 7, इसमें ऐड कर दीजिए, तो इसमें ऐड करने पर, इसमें ऐड करने पर 7 प्लस 2, ठीक है, इसका रूट यानी 9 का रूट इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या आ गया, 3, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल किया। इसके आगे हमारे पास एक चीज और आती है,
वो ये कि अभी तक हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वन बाई एक्स हमें दिया था पी, और उससे हमने फाइंड आउट कर लिया क्या एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है, पी स्क्वेयर माइनस टू, इसके आगे एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर, वो भी माइनस टू ये मान लो ए है, तो ए स्क्वेयर माइनस टू, ऐसे करते करते फाइंड आउट कर लिया था। या फिर हमने क्या किया था, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू पी है, उससे फाइंड आउट करते गए थे, और उससे भी क्या आ रहा था, प्लस की सीरीज आ रही थी, ठीक है। तो अब हम ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें ये टर्म चाहिए तो हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। तो अब पहले बात तो ये कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर अगर हमें पी दिया है तो हम ये दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और ये दोनों फाइंड आउट करने के बाद हम इनको मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर इजक्वल टू 7, ओके, और हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड कीजिए एक्स स्क्वेयर माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है। या फिर हमें बोल दिया गया कि एक्स की पावर फोर वन बाई फोर, ठीक है, हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो इसको हम डायरेक्ट तोड़ लेते हैं, किसमें, एक्स फोर माइनस वन बाई एक्स फोर इजक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक्स स्क्वेयर माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये टर्म हमारे पास गिवन है, और ये हम फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, वो एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स की मल्टीप्लीकेशन से। इससे हम फाइंड आउट करते हैं क्या, पहले एक्स प्लस वन बाई एक्स वो कैसे आएगा, रूट ए प्लस टू था, यानी सीधा टू ऐड करो, प्लस से प्लस जा रहे हो तो टू ऐड करो और रूट करो, यानी थ्री। ऐसे ही एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो इसमें टू माइनस करो और सीधा रूट करो, यानी रूट फाइव, ठीक है। हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर क्या आ गया, थ्री, और मल्टीप्लाई रूट फाइव, तो ये हमारे पास आ गया थ्री रूट फाइव, और एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर क्या था हमारे पास, वो था 7, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 21 रूट फाइव, ठीक है। इस तरह से हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि अभी आपके दिमाग में आ रही होंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये एक्स सॉरी एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर पी दिया है तो हम इससे एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर को ही फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं, या फिर इसकी सारी इवन टर्म्स को क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे एक्स प्लस एक्स की फोर, ये फोर फिर, ठीक है। तो इसका क्या रीजन है, कि इसके लिए भी हमारे पास तरीका है, उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्यूब वाली टर्म को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्यूब के लिए क्या करेंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स इजक्वल टू पी, और इससे हमें एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब चाहिए, ठीक है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है पी क्यूब माइनस थ्री पी, ठीक है। अब पी क्यूब माइनस थ्री पी कैसे आया, तो ये एक्स प्लस वन बाई एक्स का हम होल क्यूब करेंगे, तो इससे आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री ए बी करेंगे, तो इसमें एक्स वन बाई एक्स, और ये वापिस हमारे पास क्या था पी, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी लिखते हैं, ठीक है, एक्स प्लस वन बाई एक्स मैं एक बार लिख देता हूँ। हमारे पास ये क्या आ गया, पी क्यूब, क्योंकि एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या है, पी, और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स से एक्स कट गया यहाँ पे, यहाँ पे थ्री बच गया और ये पी बच गया, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस थ्री पी। तो इसी से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। ये हो गया प्लस से प्लस में जाने का। फिर माइनस के लिए, माइनस से पहले इसमें फिर आप क्या करोगे कि एक्स क्यूब है प्लस वन बाई एक्स क्यूब है, ठीक है।
अब इसका फिर से मान लो इसमें आपको निकालना है कुछ एक्स की पावर सिक्स, 1/x^6, तो इसका स्क्वेयर कर देंगे, या फिर x^9, 1/x^9 निकालना होगा तो क्यूब कर लेंगे, ठीक है। और स्क्वेयर के टर्म्स को हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं और क्यूब की इस तरह से, ठीक है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि x+1/x हमने पी लिया और उससे हमने फाइंड आउट किया कि x³+1/x³ p³-3p है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी चीज जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या है, x+1/x, सॉरी माइनस ले लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू p, ठीक है। तो इसमें अगर क्यूब करते हैं तो क्यूब की वजह से ये बीच में साइन माइनस ही रह जाएगा, ठीक है। और इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, p³+3p, ठीक है। तो ये दो हमारे पास आज इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। इन पर कुछ ये आप समझ रहे हैं ना कि x+1/x और x-1/x से हम क्यूब के टर्म्स में निकाल रहे हैं। अब मैं बात कर रहा था कि x³+1/x³ अगर हमारे पास p दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास x^6 1/x हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो ये हम इसका स्क्वायर करेंगे, इससे पावर क्या होगी, स्क्वायर वाले टर्म में क्या करते थे, स्क्वायर ये टर्म खाली फाइंड आउट करने के लिए p²-2, या फिर इसका हमें x^9+1/x^9 चाहिए तो हम क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्यूब करके हम क्या करते थे, प्लस से प्लस में, तो ये क्यूब करके p³-3p, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले x+1/x हमारे पास अगर 5 है तो x³+1/x³ क्या होगा, ठीक है, ये हम फाइंड आउट करते हैं। और इसके साथ साथ हमें फाइंड आउट करना है x^6+1/x^6 क्या होगा, ठीक है। तो इससे हमने x³ वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, तो कैसे, अगर ये p है तो p³-3p, ये फॉर्मूला था, ठीक है। इसमें पुट कर दीजिए, 5³ (125 - 15) यानी 110, 110, ठीक है। तो 110 हमारे पास क्या आया, x³+1/x³, लेकिन अगर हमें, ये तो हमारे पास आंसर इसका आ गया, x^6 1/x^6 अगर पूछा होगा तो अब ये क्या हो गया, मान लो 110 है, ठीक है। तो अब हम इसका स्क्वेयर करेंगे, तो ये टर्म करेंगे तो हमारे पास, अगर ये इसको हम p मान ले तो फिर से स्क्वेयर के टर्म में p²-2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 110² - 2, ठीक है, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो ये 3² करके हमने 6 कर लिया। और अगर x^9/1/x^9 चाहिए होता तो हम इसका क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देते, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। सो ऐसे स्टेप वाइज हम सोल्व करते हैं। इस तरह क्वेश्चंस आपको हर बुक में मिल जाएंगे, कोई भी मार्केट से बुक उठाइए और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 10-20 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको भी लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो आप प्रैक्टिस खुद कीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब हमने दो चीजें तो सीख ली, ठीक है, पहला तो x+1/x से हमने x²+1/x² या फिर इसी सीरीज में x⁴ वाले टर्म या फिर x⁸ वाले टर्म, ये सब निकालने सीख ली, ठीक है। और इसी तरह से x-1/x से सीखी, और इसी तरह से हमने क्यूब वाली टर्म्स भी सीखी, ठीक है, जिसमें हम p³-3p और p³+3p ऐसे यूज करके x³-1/x³ और x³+1/x³ फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो ये चीजें हमने अभी तक सीखी हैं, ठीक है, इन पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने फाइंड आउट करना सीखा a²-b² = a+b, a-b वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो भी सीखा। इस पर एक एप्लीकेशन और होती है स्क्वायर रूट से रिलेटेड, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सो x²-1/x²
ऐसे हम एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक्स माइनस वन बाई एक्स से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन भी करवाया था। और इसके अलावा आपके माइंड में आ रहा होगा कि फिर चलो ठीक है, इससे तो हम फाइंड आउट कर लेंगे 3 के मल्टीपल्स, 6 हो गया, 9 हो गया, ये हो गया, इससे हम 2 के मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लेंगे, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर हमें फाइंड आउट करनी है एक्स की पावर 7/1/7, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, या फिर एक्स की पावर 1/x^5। सो ये इस तरह के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और इसके लिए काफ़ी आसान है ये भी। तो इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। थैंक यू एंड विजिट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर NNMS SSC हेल्पर्स। थैंक यू वेरी मच।